हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। अगर आपकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है तो आपके टांके लगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। होता क्या है कि जब बच्चा बाहर आता है तो उसका सर काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो सर आसानी से बाहर निकल आए तो इसके लिए डॉक्टर पहले से ही एक छोटा सा चीरा लगा देते हैं। और अगर यही डिलीवरी आपकी घर पे होती है तो जो खाल होती है वो फट जाती है। अगर आपके एक या दो टांके लगते हैं तो इनको ठीक होने में 2 से 3 वीक्स का टाइम बहुत ही आराम से लग जाता है। और इसके अलावा हर महिला में थोड़ा सा कम या ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको कम से कम 1 महीने तक अनकंफर्टेबल बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर आपके थोड़े से ज्यादा टांके लगे, यानी कि 7 या फिर 8 टांके लगाए गए हैं, लेकिन इनको ठीक होने में 6 से 8 वीक्स यानी कि 1 से 1.5 महीने का टाइम आराम से लग जाएगा। और 7 से 8 टांके लगने पर आपको कम से कम 1 महीने तक दर्द रह सकता है। और जब आपके टांके धीरे धीरे सूखना एंड सही होना स्टार्ट होते हैं तो आपको हल्की हल्की खुजली भी होने लगती है। टांके लगने के बाद में उनका स्पेशली ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो और वो बहुत ही जल्दी से रिकवर हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपकी वजाइना में दर्द और सूजन रहती है, इसलिए आपको अपने टांकों का ख्याल रखते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि वो बहुत ही जल्दी से सही हो जाए। और टांके लगने के बाद आपको शुरुआत के 1 वीक तक बहुत ही ज्यादा दर्द रह सकता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सबसे पहली बात कि जैसे ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो डॉक्टर आपको ऑलरेडी मेडिसिंस देते हैं टाकों को जल्दी से जल्दी सूखने की एंड उनमें दर्द को कम करने की। तो आपको वो मेडिसिन रेगुलर लेनी है, आप इनमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ताकि आपके जल्दी से जल्दी टाके ठीक हो। और दूसरी बात, आपको टाकों में दर्द से राहत पाने के लिए आप एक टब में गुनगुना पानी कर ले एंड उसमें बैठे, और उसके बाद में आपको किसी टॉवल से वहां पर हल्के हल्के से पानी को पोंछ ले, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि जितना ज्यादा आप टांकों को ड्राई होने देंगी, हवा वगैरह लगने देंगी, उतनी ही जल्दी आपके टांके रिकवर होंगे, और ऐसा करने से आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। और आपको यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप उस समय गुनगुना पानी लेकर अपनी वजाइना में डालें, इससे भी आपको दर्द में काफी ज्यादा राहत मिलेगी और जलन में भी। और आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपको कब्ज वगैरह की शिकायत हो जाती है, आप जब भी प्रेस होने जाएंगी तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, और जिस वजह से आपके टांके खुल भी सकते हैं। तो आपको कब्ज से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुनगुना पानी पीना है, इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, एंड आपको बहुत ही अच्छी डाइट लेनी है और आपको अनहेल्दी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। और इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से भी पहले से ही बात कर ले कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आप उस समय कौन सी मेडिसिंस ले सकती हैं। जब भी फ्रेश होने जाती हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी टांकों वाली जगह पर आपको पैड के द्वारा वहां पे हल्के से हाथों से प्रेशर लगा के रखना है, ताकि जब आप पोटी वगैरह करती हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर टांकों पर ना पड़े। और आपको कॉटन की पैंटी ही यूज करनी है, बहुत ही ज्यादा टाइट लोअर वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने जो बहुत ही ज्यादा ढीले ढाले हो, वही आपको लोअर वगैरह पहनने हैं, ताकि कपड़ों से हवा वगैरह अच्छे से पास होती रहे और आपके टांके भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो। और आपको पैंटी वगैरह गंदी होने पर उसको तुरंत ही चेंज करना है। आपको शुरुआत के 1 से 1.5 महीने गलती से भी पालती मारकर नहीं बैठना है एंड ना ही बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना है। आप ज्यादा से ज्यादा आराम करने की कोशिश करें, ताकि आपके टांकों पर प्रेशर ना पड़े। और आप जब भी चले तो बहुत ही धीरे से चले एंड इसके अलावा पैरों को बिल्कुल भी दूर दूर फैलाकर ना रखें, क्योंकि जितना ज्यादा खिंचाव पड़ेगा तो टांकों को खोलने का उतना ही ज्यादा डर रहेगा। आपको अपनी टांकों वाली जगह को ज्यादा से ज्यादा ड्राई रखना है एंड उसमें ज्यादा से ज्यादा हवा लगने दें, ताकि वहां पर कोई भी इंफेक्शन ना हो पाए और जल्दी से जल्दी रिकवर हो। और आपको 6 वीक्स कंप्लीट होने पर डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाना है, ताकि ये क्लियर हो सके कि आपके टांके अच्छे से रिकवर हुए या फिर नहीं हुए। और आप जितनी अच्छे से अपनी केयर कर लेंगी, आपके टांके उतनी ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको शुरुआत के दिनों में बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी है, और ध्यान रखें कि आपको 1 से 1.5 महीने से पहले आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना है, नहीं तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
और आपको कोई भी भारी वजन वगैरह बिल्कुल भी नहीं उठाना है ताकि आपके टांकों पर किसी भी तरीके का प्रेशर ना पड़े। और आप रात में हल्दी डाल के गुनगुना दूध भी ले सकती हैं, इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं एंड आप पपीता का सेवन करें ताकि आपका पेट बहुत ही इजीली साफ हो जाए। और आप एक बात और ध्यान रखें कि डिलीवरी होने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से और पेट भर के खाना है, नहीं तो आपको बार बार पोटी जैसा फील होगा एंड आप करने जाएंगी और आप प्रेशर लगाएंगी बट आपको पोटी नहीं आएगी, इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मूंग की दाल है, हरी सब्जी है एंड रोटी है पेट भर के खानी है ताकि आप जब भी फ्रेश होने जाए तो आपको एकदम से खुल के आपका पेट साफ हो जाए और आपको प्रेशर भी ना लगाना पड़े, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। और आप जब भी नहाने जाएं नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उससे नहा सकती हैं, इससे भी आपके टांकों में काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप ध्यान रखें कि आपको गुनगुने पानी से ही नहाना है, आप ठंडे पानी से नहाने की गलती बिल्कुल भी ना करें और नहाने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। जब आपको कंफर्टेबल हो, आपको रिलैक्स मिले तभी आप नहाएं। और जब भी आप यूरिन वगैरह पास करने जाएं एंड फ्रेश होने जाए तो आपको एक गुनगुने पानी में डिटॉल डाल के या फिर सैवलॉन डाल के उस जगह को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है आगे से लेकर पीछे तक। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप अच्छे से उसको ड्राई करने के बाद ही वहां से उठें, नहीं तो आप जो है टॉवल वगैरह से बिल्कुल पोंछ लें। जितना ज्यादा आप साफ सफाई रखेंगी उतना ही ज्यादा आपको इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।